हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है SPMCIL की तरफ से, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, सरकारी नौकरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे बेसिकली तीन पोजिशन के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। पहला जो पोजिशन रहेगा वो जूनियर टेक्नीशियन के लिए पोजिशन के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सेकेंड जो पोजिशन देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा सब स्टेशन ऑपरेटर के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। इवन थर्ड जो पोजीशन आपको देखने को मिलेगा सुपरवाइजरी ट्रेनी पोजीशन के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ये सारी की सारी पोजीशन फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। इसमें किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहां पे ये जो जॉब रहेगा परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल यहां पे एलिजिबल रहने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे अगर आपने ITI किया है आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है आप अप्लाई कर सकते हैं, वहीं अगर आपने BBTech कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं। YouTube पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं मेरे भाई, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का टारगेट रहेगा 700 प्लस का, और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। यहां पे मैंने आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखे हैं, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, LinkedIn का, Instagram का और Facebook का, जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि अक्सर मैं YouTube पे पोस्ट नहीं कर पाता, और YouTube पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना है आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली PDF को डाउनलोड कर लिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो कि मैंने हाईलाइटेड कर रखा है ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है इंडियन गवर्नमेंट मिंट की तरफ से। आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा जो कि एक यूनिट है SPMCIL का, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, ये एक यूनिट आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पे जारी कर दिया गया है। बेसिकली आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा कोलकाता का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा, ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली यहां पे वैकेंसी के बारे में। तो यहां पे आपको तीन टाइप की पोजीशन देखने को मिलेगी, जूनियर टेक्नीशियन की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, सब स्टेशन ऑपरेटर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, और सुपरवाइजरी ट्रेनिंग की पोजीशन यहां पे रहने वाली है जैसा कि यहां पे मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट डेट आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे जो आपका इंपॉर्टेंट डेट रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है वो आपका रहेगा 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो 29 नवंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली आपको एक महीने का समय दिया गया है, उसी बीच आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जो इसका एप्लीकेशन फीस रहेगा उसका पेमेंट भी यहां पे कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट रहेगा वो आपका दिसंबर और जनवरी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे वैकेंसी के बारे में। तो यहां पे इन्होंने एक चार्ट मेंशन कर रखा है जिसमें इन्होंने बता रखा है, वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रखा है, पे स्केल क्या रहेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा उसके बारे में यहां पे बताया गया है, जिसके अंदर डिप्लोमा, ITI, BBTech तीनों यहां पे एलिजिबल रहने वाले। सबसे पहले यहां पे सीरियल नंबर दिया गया, आपका नेम और पोस्ट क्या रहेगा, स्केल पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ पोस्ट क्या निकाली गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या देखने को मिलेगा, जो कि आपका देख सकते हैं 29 नवंबर के बीच में आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, एज लिमिट भी आपका 29 नवंबर रहेगा, मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका यहां पे CBT बेस्ड एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहां पे जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर टेक्नीशियन का, जिसके अंदर ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, पहला आपका रहेगा टनर के अंदर, ठीक है, और आपका जो सैलरी रहेगा 18,780 रुपए से लेकर यहां पे 67,390 रुपीज आपको यहां पे देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको अदर अलाउंस भी यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल वैकेंसी आपकी तीन निकाली गई UR कैटेगरी के अंदर। अगर आपकी कैटेगरी दूसरी है लाइक OBC SC ST है तो आप UR में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने ITI के टनर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे NCVT से किया हो या फिर SCVT से किया हो, किसी से भी किया हो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपके यहां पे 18 से 25 साल दिए गए, एज रिलैक्सेशन यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक OBC कैटेगरी को 3 साल का और SC ST कैटेगरी को यहां पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो आपको देखने को मिलेगा CVT बेस्ड एग्जाम होगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन यहां पे होने वाला है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। तो जूनियर टेक्नीशियन का वैकेंसी रहेगा, मैकेनिस्ट की वैकेंसी निकाली गई, सैलरी सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी यहाँ पे डिवाइड कर दी है, और अगर आपने आईटीआई किया है मैकेनिस्ट के अंदर या फिर अगर आपने आईटीआई किया है ग्राइंडर के अंदर ट्रेड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एज लिमिट रहेगा 18 से 25 साल, एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, सीबीटी बेस एग्जाम के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जूनियर टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाला गया, सैलरी आपका सेम रहेगा। एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर अगर आपने आईटीआई किया फाउंड्री के अंदर या फिर ब्लैक स्मिथ ट्रेड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एनसीईटी से किया हो एससीईटी से किया हो। एज लिमिट आपका 18 से 25 साल रहेगा। आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो आपको ऑनलाइन बेस एग्जामिनेशन होगा, उसी के बेस पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। वेल्डर के लिए निकाली गई है, यहां पे आप देख सकते हैं सैलरी सेम रहेगा। अगर आपने आईटीआई किया वेल्डर के अंदर एनसीईटी से किया हो या एससीईटी से किया हो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल आपको यहां पे देखने को मिलेगा, और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसी के बेस पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जूनियर टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाला गया, मैकेनिकल वालों के लिए सैलरी सेम रहेगा। इसमें अगर आपने आईटीआई किया है मैकेनिक्स ट्रेड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एससीईटी से किया हो एनसीईटी से किया हो, मेंशन किया गया। 18 से 25 साल एज लिमिट देखने को मिलेगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली नेक्स्ट वैकेंसी निकाली गई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जिसके अंदर आपका सैलरी सेम रहेगा। इसके अंदर अगर आपने आईटी के इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज लिमिट आपका देखने को मिलेगा 18 से 25 साल, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पे यहां पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। यहां पे लैब असिस्टेंट का वैकेंसी देखने को मिलेगा, सैलरी आपका सेम रहेगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं अगर आपने आईटी किया है अपने केमिकल प्लांट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के अंदर अगर आपने आईटी कर रखा अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एनसीईटी से किया हो या एससीईटी से किया हो। 18 से 25 साल देखने को मिलेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पे आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी आती है सब स्टेशन ऑपरेटर का जिसमें सैलरी आपको सेम देखने को मिलेगा। अगर आपने आईटी के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से एनसीईटी से किया हो एससीईटी से किया हो अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज लिमिट 18 से 25 साल रहेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी आती है आपका सुपरवाइजरी ट्रेनी का पोजीशन जिसके अंदर आपका सैलरी रहेगा 27,600 रुपए से लेकर 95,910 रुपए देखने को मिलेगा। यूआर के लिए दो वैकेंसी निकाली गई, अगर आपकी अदर कैटेगरी है तो आप यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपने डिप्लोमा किया है बीटेक या केमिकल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर केमिकल वालों के लिए वैकेंसी ली गई, तो ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं है कि अप्लाई कर देना। 18 से 30 साल एज लिमिट देखने को मिलेगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पे सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, 5 साल का एसएसटी कैटेगरी को, 3 साल का ओबीसी कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनेशन फीस रहेगा वो आपका 600 रुपये रहेगा, जिसमें अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में आते तो आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे, इसमें इंक्लूड है जीएसटी। और अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं एससीएससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1 रुपये पे नहीं करना, लेकिन यहाँ पे आपको इंटीमेशन चार्ज रहेगा, 200 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा जिसमें इंक्लूड है जीएसटी। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन रहेगा जिसके अंदर आपके यहाँ पे टेक्नीशियन की पोजीशन है और लैब असिस्टेंट की पोजीशन है, उसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे दे रखा है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, आपका कौन कौन से यहाँ पे पार्ट रहेंगे, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, मार्क्स क्या रहेगा, आपका वर्जन रहेगा बायलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। लगभग आपको 2 घंटे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रोफेशनल नॉलेज आएगा, जिसमें भी आपने आईटीआई किया है उसका नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रीजनिंग आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपका प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे और आपका रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 15 और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स यहां पे डिवाइड कर दिए, आपको 2 घंटे का समय देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर आपको एक क्वांट भी देखने को मिलेगा जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि मैथ्स आएगा, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और आपका यहां पे 125 का यहां पे मार्क्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में, यहां पे दे रखा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। और आपको यहां पे नो सिलेक्शन कट ऑफ, मतलब कि सेक्शनल कट ऑफ आपको यहां पे नहीं देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपका ऐसे नहीं होगा पार्ट ए के अंदर कट ऑफ जाएगा, यहां पे ओवरऑल कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। इतने आपको मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, यूआर और ईडब्ल्यूएस को 55% गेन करने पड़ेंगे, ओबीसी कैटेगरी को 50% और एससीएससी कैटेगरी को 45% गेन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो आता है आपका आता है सुपरवाइजरी ट्रेनिंग पोजीशन के लिए, उसका यहां पे एग्जाम पैटर्न यहां पे बता दिया गया, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज आएगा आपका, इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, आपका मैथ्स देखने को मिलेगा। इसमें आपका यहाँ पे क्वेश्चन 140 आएंगे और आपका मार्क्स आएंगे 200 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और सेक्शनल कट ऑफ भी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, इतने आपको यहाँ पे मिनिमम कट आपको यहाँ पे गेन करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको आपको जो यहाँ एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट
डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्टली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अप्लाई का, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है कि 29 अक्टूबर से लेकर यहाँ पे 29 नवंबर के बीच के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करें तो इस चीज का ख्याल रखें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल वॉलेट से आप आराम से पेमेंट कर पाएंगे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करें तो फोटोग्राफ का साइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, उस चीज का ख्याल रखिएगा। सिग्नेचर रहेगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन रहेगा, तो उस चीज का ख्याल रखिएगा। तो आपको जिस भी साइज के अंदर अपलोड करना है, यहाँ पे साइज मेंशन कर दिया गया, तो उसी साइज में अपलोड करिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया, डायरेक्टली वहां पर क्लिक करके आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए हम ला सके। एंड व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड करवा रखे, आप डायरेक्टली वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।